एक्सरसाइज 5.1 का ये देखिए 34th क्वेश्चन, इसमें क्या दिया है, फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस मॉड ऑफ एक्स प्लस वन। तो देखिए यहाँ पे क्या है, हम इसको ऐसा समझ सकते हैं कि इसको एक फंक्शन मान लें, एच एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, ठीक है, और इसको हम दूसरा फंक्शन मान लें, इसको मान लेते हैं लेट इट इज डी जी एक्स एंड इट इज ऑल्सो इक्वल टू मॉड एक्स प्लस वन, ठीक है। तो हालांकि दोनों क्या, दोनों ही मॉड फंक्शन है और हम मॉड फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक कर चुके हैं। आप चाहे तो 32 क्वेश्चंस में देख सकते हैं, जो हमने 32 क्वेश्चन में किया था, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो वीडियो भी देख लीजिएगा कि हम मॉड फंक्शन प्रूफ कर चुके हैं कि वो कंटिन्यूस फंक्शन है, और आप चाहे तो इसमें प्रूफ भी कर सकते हैं उसी मेथड से जो हमने 32 क्वेश्चन में किया था। तो आप पहले एक बार प्रूफ कर दें कि मॉड एक कंटिन्यूस फंक्शन है। अब देखिए ये मॉड है तो एच एक्स जो है ये कंटिन्यूस होगा, ये भी मॉड है एच एक्स प्लस वन तो ये भी कंटिन्यूस फंक्शन होगा, और हम पढ़ चुके हैं कि अगर दो फंक्शन कंटिन्यूस हैं तो एच और जी जो दो कंटिन्यूस फंक्शन है, तो दो कंटिन्यूस फंक्शन का अगर सम करेंगे तो ये भी हमको क्या मिलता है, कंटिन्यूस फंक्शन। ठीक है, और या फिर हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी हमको मिलता है एक कंटिन्यूस फंक्शन, या हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो भी एक मिलता है कंटिन्यूस फंक्शन, या हम इनको डिवाइड करेंगे तो भी हमें मिलेगा एक कंटिन्यूस फंक्शन। बस डिवाइड में कंडीशन है डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। तो देखिए यहाँ पे हम वही कॉन्सेप्ट लगा के डायरेक्टली लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही मॉड फंक्शन है और दोनों ही कंटिन्यूस फंक्शन है, तो इन दोनों का अगर सब्ट्रैक्शन करेंगे तो बाय दिस ये जो फंक्शन बनेगा एफ एक्स विल ऑल्सो बी कंटिन्यूस फंक्शन। देखिए इस क्वेश्चन को हम एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ये जो हमें फंक्शन दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस एक्स मॉड ऑफ एक्स प्लस वन, इस फंक्शन को अगर हम दूसरी तरीके से लिखें तो देखिए हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं दैट एफ एक्स इज इक्वल टू, देखिए यहाँ हम लिखते हैं इफ एक्स इज लेस देन माइनस वन, अगर एक्स लेस देन माइनस वन हुआ तो क्या होगा, ये टर्म ये वाला नेगेटिव होगा और ये वाला टर्म नेगेटिव होगा, तो इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस एक्स देन माइनस और यहाँ पे माइनस साइन एक्स प्लस वन, इस तरीके से लिखा जा सकता है। अगर ये लेस देन माइनस वन है एक्स तो ये दोनों टर्म नेगेटिव हो जाएंगे और इसके आगे हम ऐसे दोनों के आगे आप माइनस लगा सकते हैं। अब उसके बाद अगली रेंज आती है इफ अगर एक्स माइनस वन से ग्रेटर है एंड जीरो से छोटा है, यानी एक्स इज लेस देन जीरो एंड ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन, इस केस में क्या होगा, इस रेंज में ये वाला टर्म तो पॉजिटिव हो जाएगा बट ये वाला अभी भी नेगेटिव ही रहेगा, तो हम क्या लिखेंगे, इसको केवल नेगेटिव लिखेंगे माइनस एक्स और ये एज इट इज रहेगा एक्स प्लस वन। ठीक है, अब दूसरा इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यदि एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो गया तो ये भी पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव हो गया, अब माइनस लगाने की जरूरत नहीं है तो डायरेक्टली वो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो हम सिंपली लिखेंगे एक्स माइनस एक्स प्लस वन, इस तरीके से। तो ये जो फंक्शन है इसको हम अलग अलग रेंज के लिए इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। अब इसी को थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करें तो एफ एक्स इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं, तो ये माइनस और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसमें से एक्स कट जाएगा, केवल रह जाएगा प्लस वन, तो ये रह गया प्लस वन इफ एक्स इज लेस देन माइनस वन, अगर लेस देन माइनस वन है तो एफ एक्स हो गया वन। यहाँ पे देखिए ये माइनस एक्स और ये माइनस एक्स जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस टू एक्स, और ये माइनस वन यहाँ, और ये हो गया इफ एक्स इज लेस देन जीरो एंड ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन, इस रेंज में ये हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, x और x कट जाएगा तो x माइनस एक्स हो जाएगा और बचेगा केवल माइनस वन, तो यहाँ बचा केवल माइनस वन और यहाँ बचा, ठीक है। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके अगर हम लिखें तो हम लिख सकते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू, ये देखिए ये क्या होगा, ये माइनस और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x कट जाएगा, केवल रह जाएगा यहाँ पे वन, तो यहाँ लिखा वन If x is less than minus one, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या होगा, ये x और x ऐड हो जाएगा यहाँ पे, इस केस में ये हो जाएगा माइनस टू एक्स माइनस वन इफ x is less than zero एंड ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन, ये हो जाएगा। और तीसरे में देखिए x x कट जाएगा, केवल माइनस वन बचेगा, तो नीचे बचेगा माइनस वन इफ x is greater than equal to zero।
तो ये देखिए एफ एक्स का आपको ये तीन वैल्यू मिल रहा है अलग अलग रेंज पे, तो यही जो फंक्शन आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कोई गलती तो नहीं है, नहीं कोई गलती नहीं है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस वन है यदि एक्स की वैल्यू लेस देन माइनस वन होगा, और ये कॉन्स्टेंट फंक्शन हो गया, तो लेस देन माइनस वन पे ये एफ एक्स कंटिन्यूस होगा क्योंकि ये कॉन्स्टेंट इसकी वैल्यू आएगी वन, तो ये कंटिन्यूस हो गया लेस देन माइनस वन पे। अब माइनस वन और जीरो के बीच हमको मिल रहा है माइनस टू एक्स माइनस वन, ये एक पॉलिनोमियल हो गया, और कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होता है, तो ये फंक्शन कंटिन्यूस हो गया इस रेंज के बीच में। दूसरी बात, एक्स ग्रेटर देन जीरो और इक्वल टू जीरो में ये हमको माइनस वन मिल रहा है, यानी ग्रेटर देन जीरो इक्वल टू जीरो पे हमें हमेशा माइनस वन मिलेगा, ये भी कॉन्स्टेंट फंक्शन हो गया, तो ये भी क्या हो गया, ये कंटिन्यूस फंक्शन हो गया। तो ये है कंटिन्यूस फंक्शन हर एक पॉइंट पे, बट हमें चेक करना पड़ेगा जहाँ पे जो है फंक्शन की वैल्यू चेंज हो रही है। तो माइनस वन पे देखिए फंक्शन की वैल्यू चेंज हो रही है, एक ये है और एक ये है, और वैसे ही जीरो पे चेंज हो रही है फंक्शन की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, अब इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे माइनस वन और जीरो पे। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं एट एक्स इक्वल टू माइनस वन, माइनस वन पे देखते हैं क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। उसके अलावा बाकी सब पॉइंट में तो है ही कंटिन्यूस, केवल हमें अब माइनस वन और जीरो पे चेक करना है। तो कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले इसकी निकालेंगे हम लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट एक्स टेंड्स टू माइनस वन माइनस, ठीक है, माइनस वन माइनस एफ एक्स होगा। अब माइनस वन माइनस मतलब क्या हो गया, लेस देन माइनस वन, लेस देन माइनस वन में एफ एक्स इक्वल टू वन है, ये एक्स के इंडिपेंडेंट है, तो डायरेक्टली आप यहाँ लिख दो वन। तो हमें लेफ्ट हैंड लिमिट मिल गई एट एक्स इक्वल टू माइनस वन, जिसकी वैल्यू आ रही है वन, ठीक है। अब आप ऐसे ही राइट हैंड लिमिट निकाल लो, राइट हैंड लिमिट होगा लिमिट एक्स टेंड्स टू माइनस वन, एक्स टेंड्स टू माइनस वन प्लस, ठीक है, फिर एफ एक्स। अब माइनस वन प्लस का मतलब क्या हो गया, मोर देन माइनस वन, मोर देन माइनस वन में एफ एक्स का ये फंक्शन एप्लीकेबल होगा। तो अब आप क्या लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू माइनस वन प्लस, और एफ एक्स की जगह अब आपको ये लिखना है माइनस टू एक्स माइनस वन, ठीक है। अब आपको क्या करना है, x की वैल्यू माइनस वन यहाँ रख देना है। जब x की वैल्यू आप माइनस वन रखेंगे तो माइनस वन इंटू माइनस टू हो जाएगा प्लस टू, और प्लस टू माइनस वन क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो डायरेक्टली इसका आंसर आप लिखेंगे वन। तो हमको क्या दिख रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इसकी वैल्यू सेम आ रही है, इसकी वैल्यू वन है, इसका मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूस है एट एक्स इक्वल टू माइनस वन पे, ठीक है। तो ये हमने कंटिन्यूटी चेक कर ली माइनस वन पे। अब जीरो पे चेक करते हैं, तो एट x इक्वल टू जीरो पे आप चेक करें, तो जीरो पे इसके हम पहले निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू जीरो माइनस एफ एक्स, ठीक है। अब जीरो माइनस का मतलब लेस देन जीरो, लेस देन जीरो में फंक्शन ये वाला एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू जीरो माइनस, और यहाँ पे लिखेंगे माइनस टू एक्स माइनस वन, ठीक है। अगले स्टेप में क्या करना है, अब x की वैल्यू आपको सीधे जीरो रखनी है, ये जीरो रखेंगे तो क्या बचेगा, केवल माइनस वन बचेगा। तो जो राइट हैंड सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट आ रही है एट x इक्वल टू जीरो, वो आ रही है माइनस वन। अब राइट हैंड लिमिट आप इसकी चेक कर रहे हैं, राइट हैंड लिमिट, तो इसको हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू जीरो प्लस हो जाएगा ये, फिर लिखेंगे एफ एक्स, और इस तरफ लिमिट सॉरी अब देखें जीरो प्लस का मतलब मोर देन जीरो, मोर देन जीरो में ये तो x के इंडिपेंडेंट हो गया माइनस वन आ रहा है, तो डायरेक्टली इसकी वैल्यू लिखेंगे माइनस वन। तो ये देखिए एट x इक्वल टू जीरो पे भी इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आ रही है माइनस वन माइनस वन। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये जीरो पे भी कंटिन्यूस है ये फंक्शन, तो ये जीरो पे भी कंटिन्यूस है और माइनस वन पे भी कंटिन्यूस है, और लेस देन माइनस वन पे तो कॉन्स्टेंट हो गया तो कंटिन्यूस हो गया, बिटवीन माइनस वन और जीरो के बीच पॉलिनोमियल है तो वो भी कंटिन्यूस हो गया, और ग्रेटर देन जीरो पे भी वो कॉन्स्टेंट फंक्शन है तो वो वहां पे भी हो गया कंटिन्यूस। मतलब ये फंक्शन हर पॉइंट पे कंटिन्यूस होगा, इसका कोई भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं होगा।